बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि इटली फैमिली वीज़ा के कौन से केस पेंडिंग में है। तो उस सिलसिले में मैंने साथ में रिक्वेस्ट की थी हमारे सब्सक्राइबर से कि आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि कितना कितना अर्सा हो गया है आपके केसेस जो हैं वो पेंडिंग में है। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, आप लोगों के साथ हम उसकी शेयरिंग करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसमें आपको पता चल जाएगा तो कितने कितने लॉन्ग और लंबे अरसे से लोग जो है वो परेशानी में है। यहाँ पर है कि 11 महीने मुझे 25 महीने पहले 11वां मंथ है, मुझे 11वां मंथ है, 25 महीने हो गए हैं, एम्बेसी वालों ने जलील किया हुआ है, अपॉइंटमेंट का जवाब नहीं दे रहे और बिल्कुल भी इसको यानी कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। यानी कि इनको ये 11वां महीना लेकिन इनका जो न्योला उसका इशू हुआ हुआ है उसको हुए और इसको मिलाकर कुल मिलाकर उन्होंने टाइम बता दिया कि तकरीबन 25 महीने होने वाले हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर एक और हमें मैसेज आया हुआ है कि 11 महीने हो गया पाकिस्तान में, हम वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ बस 17 अगस्त को सबमिशन करवाई थी, अभी तक उन्हें रिस्पॉन्स नहीं आया। एक और पर्सन है जिसने 25 अगस्त को सबमिशन करवाई है तो उन्हें जो है वो रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। मीन वाइल बीच में उन्होंने कन्वर्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा किया है, 23 अगस्त है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ 23 जुलाई को सबमिशन उन्होंने करवाई हुई है, एक ने 25 मई को सबमिशन करवाई है लेकिन अभी तक उन्हें कॉल वगैरह नहीं आई हुई। एक और सब्सक्राइबर है जिन्होंने 21 फरवरी की सबमिशन करवाई हुई है पासपोर्ट की लेकिन अभी तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ। 13 जनवरी की सबमिशन करवाई हुई है, ठीक हो गया। 27 मार्च की सबमिशन करवाई हुई है, 25 जुलाई की सबमिशन, 21 फरवरी, 22 जून की इन्होंने सबमिशन करवाई हुई है। अच्छा, मीनवाइल अगस्त मई ठीक हो गया, यानी कि अगर अगस्त और ऊपर करते जाते हैं यानी कि मिला जुला रुझान मिल रहा है, यानी कि इस साल के जितने भी महीने गुजरे जा चुके हैं सभी महीनों में से किसी ने सबमिशन करवाई हुई है लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो लेट्स सी के क्या होता है। ये बनाने का मकसद ये था कि जिन लोगों जो लोग बड़ा अक्सर पूछते रहते हैं इतना टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, तो उससे रिलेटेड मैंने दूसरा जो मेरा चैनल है ब्लॉगिंग वाला DGO UK, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने लोगों को कहा था कि काइंडली आप जिन जिन लोगों के केसेज अभी पेंडिंग में है वो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं अपना, ताकि जो लोग मुझसे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि जनवरी का महीने से मैंने अप्लाई किया है, 11 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा हौसला आ सके। सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस पेंडिंग सिचुएशन के अंदर हैं। तो इससे आपको ही हेल्प हुई है जो आपने हमें कमेंट बॉक्स में आपने अपनी चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं, उसका फ़ायदा आप और दूसरे लोगों को इस हिसाब से हुआ है कि आप जो लोग 10-15 दिन या 2-3 महीने से वेट करें उनको हौसला हो जाएगा कि यार अभी तो हमें कुछ टाइम नहीं हुआ, हमसे पहले भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वेटिंग में है। तो जब आपकी फाइल सबमिशन हो जाती है एम्बेसी के अंदर तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती, जस्ट आपको वेट करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बस आपको पेंडिंग केसेस से रिलेटेड अपडेट देनी थी, अपनी फाइल पर अपने जो वीज़ा की फाइल की प्रिपरेशन, चेकिंग, ट्रांसलेशन, मुफासा अटेस्टेशन, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कंसल्टेंसी या फाइल प्रिपरेशन या फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड अगर आप हमारी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन में भी आपको हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, बिना झिझक आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इंशाल्लाह हम अच्छे से बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। मीन वेल साथ साथ चेंजिंग कंट्रीज की जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला है वो भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, UK हो गया, इसी तरह फिनलैंड हो गया। तो इनकी अगर आपने विजिटर वीज़ा की फाइल प्रिपरेशन और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।